3, 2, 1. Hello guys, welcome back to my channel. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी विंटर्स. सर्दियों में ना दो चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है, एक सबके घरों में मूंगफली खाई जाती है और दूसरा दिसंबर और जनवरी के महीने में इतनी शादियाँ होती हैं ऐसा लगता है जैसे लड़के और लड़की पे 50% डिस्काउंट का ऑफ़र चल रहा है. सच बता रही हूँ, जहाँ देखो शादियाँ और उसी में ना हमें भी आई हैं दोनों शादियाँ हैं मेरी फैमिली में, मेरी मासी के बच्चों की. तो भैया शॉपिंग करनी तो बनती है ना, तो सबसे पहले गए हम लेन देन वाले कपड़े लेने के लिए, मतलब सूट जो लेन देन में काम आएंगे. तो देखो यहाँ पे वही चल रहा है, ये वाला है, ये वाला अच्छा है, ये वाला नहीं अच्छा. तो बस अभी फ़िलहाल यहाँ पे लेन देन वाले कपड़ों की शॉपिंग चल रही. सोना ना आ सोना लगा मैंने आ सोना लगा क्वालिटी भी सोनी है ना और एम्ब्रॉयडरी भी सोनी है जिदा ना आ मिक्सिंग जिया सोना है ओदे नालो कंपैरेटिव सूट सोना ना अभी जरा पता है अरे ना कि मैं हम पाने कितने सर्दियों हाँ जी सूट की ना शॉपिंग करते करते हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया. जब हम घर से आए थे तो आपने देखा होगा शुरू में दिन था काफ़ी, मतलब काफ़ी उजाला था और शॉपिंग करते करते ना पूरा अंधेरा होने वाला था. तो हम लोगों ने सोचा कि बाकी शॉपिंग ना 1-2 दिन के बाद करेंगे, ठीक है. और सच बताना किस किस को शॉपिंग करते टाइम ना सबसे ज़्यादा भूख लगती है, भाई आई एम वन ऑफ देम जिसे सबसे ज़्यादा भूख लगती है. बताना कमेंट में किसको मेरी तरह ना भूख लगती है शॉपिंग करते हैं टाइम. तो उसके बाद ना हम लोग इस शॉप पे आए, इस शॉप का नाम मेरे को सच में भूल चुका है बट काफ़ी फेमस शॉप है ये MBD मार्केट की. तो यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें थी, टिक्की थी, पाव भाजी थी और बर्गर था ना. तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि मैं कौन सी चीज़ लूँ. यहाँ पर ना खाने में ना और भी बहुत सारी वैरायटी थी. यहाँ पे ना बाहर ही मिरर के ऊपर ना और मेन्यू इनका लगा हुआ था बट मैं इतनी थक चुकी थी ना कि मैंने हिम्मत ही नहीं की मैं कुछ और सोचूं कि क्या लेना. तो बिना कुछ सोचते हुए हमने आलू टिक्की लेने का फ़ैसला किया और आलू टिक्की लेके हम लोग निकल पड़े वापस घर को, क्योंकि मेरे भाई का भी फ़ोन आ चुका था कि मेरी बेटी उठ गई है और वो रो रही है तो जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाओ, क्योंकि बच्चों के साथ ना शॉपिंग करना सच में बड़ा मुश्किल होता है. सच बता रही हूँ, जिनके बच्चे हैं ना उन्हें पता होगा कि कितना मुश्किल है बच्चों के साथ शॉपिंग करना. तो मैंने उसे घर छोड़ दिया. जब मैं घर आई तो आते ही मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत सारा प्यार किया. देखो घर आते ही भाई ने बताया कि मेरे 2 फर्स्ट क्राई के पार्सल आए, तो
लेट्स अनबॉक्सिंग। हाँ जी, सबसे पहले ये जो स्वेटशर्ट है ये है बेबी हग की और इसका साइज़ है 3-4 और इसके ऊपर ना ये सिप्पी के साथ जो स्टार शेप बनाई है ना बहुत अच्छी है और जो आर्म्स हैं आर्म्स पे ना प्रिंट किया हुआ है वर्ड्स, मतलब कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और ये काफ़ी गर्म है, मतलब आगे फैब के मंथ में बहुत अच्छी जाएगी। तो इसके बाद ये है सेकेंड, ये मेरा सबसे अब तक का सबसे फेवरेट है, ये है ग्रे कलर में, इसके ऊपर है एम्ब्रॉयडरी, आप देखना आगे आपको पता चल जाएगा। ये काफ़ी हैवी और बहुत गर्म है, मेरे को ये सबसे ज़्यादा पसंद आई जितने भी अभी तक मैंने फर्स्ट क्राई से प्रोडक्ट मंगाए हैं ना विंटर्स वाले, ये सबसे अच्छी थी उसमें से। आप देखो इसके ऊपर जो ना जिन्हों पंजाबी कही था बुनती, वो मतलब बहुत सोहनी है, आई लव इट। जो इसकी एक्चुअल पिक है ना इस यहाँ पे साइड पे लगा दूंगी ताकि पता चल जाए प्रॉपर। हाई नेक और गरम भी है, बहुत अच्छा गरम है, 10/10 बहुत अच्छे आए हैं सारे प्रोडक्ट्स। मैंने ना सबसे लास्ट में टिक्की खाई थी जो मैं मार्केट से लेके आई थी, क्योंकि जब भी घर में कोई पार्सल आता है ना तो भूख फूक कुछ भी हो सब साइड पे हो जाती है, आप लोगों को होता है मतलब आप लोगों को भी होता होगा जैसे मुझे होता है कि सबसे पहले हम पार्सल खोल के देख लें जो कपड़ा हम लोगों ने मंगवाया है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आया है या नहीं। लेकिन मेरे को दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे हैं और यहाँ पे टिक्की इंजॉय कर रही हूँ, टिक्की भी बहुत अच्छी लग रही है। वॉइस ओवर करते वक्त ना मेरा सच में फिर से दिल कर रहा है कि मैं टिक्की ना मार्केट जाऊँ और फिर से खा के आऊँ। वैसे जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है ना उसमें काफ़ी सारे जो मैं फर्स्ट क्राई से कपड़े मैंने ऑर्डर किए हैं विंटर्स के वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वो वाला ब्लॉग ज़रूर देखना। बाय बाय।